Hello children, welcome to SI Education. Aaj hum kar rahe hain chapter Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. History book, grade 8C. Ye jo hamara chapter hai, isme hamara main focus rahega ki jo crafts thi, jo industries thi, British rule ke time pe, unke piche ki kahani kya rahi. Jab British rule tha, to unhone jo hai mainly focus kiya do industries pe. Ek thi textile aur dusri thi iron and steel. दोनों ही इंडस्ट्रीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया मॉडर्न वर्ल्ड में उसके पीछे। जब ब्रिटेन में कॉटन का जो प्रोडक्शन था कॉटन टेक्सटाइल्स का वो मशीन्स के थ्रू स्टार्ट हो गया तो ब्रिटेन जो है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन के तौर पे 19th सेंचुरी में उभरने लग गया। उसके बाद जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात आई जिसकी ग्रोथ जो है 1850 से स्टार्ट हो गई थी तो ब्रिटेन को जो है वो दुनिया की वर्कशॉप माने जाने लग गया, यानी उसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लग गया। ब्रिटेन ने इंडिया में जो भी जीत हासिल करी या जो भी उसने कॉलोनाइजेशन किया, कॉलोनीज में बांटा इंडिया को, उसका और जो इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में बननी शुरू हुई उसका काफी गहरा नाता है। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेनली जो इंटरेस्ट था वो ट्रेड में था और इसी वजह से उसने जो हमारी टेरिटरीज थी उस पर ज्यादातर अपना कब्जा किया था। सेकेंडली जैसे जैसे दशक बीतते चले गए जो ट्रेड था यानी जो व्यापार हो रहा था उसके भी स्टाइल में पैटर्न में काफी चेंज आया। जब लेट 18th सेंचुरी थी तो कंपनी क्या करती थी, इंडिया से गुड्स खरीदती थी और फिर उनको इंग्लैंड और यूरोप में बेच देती थी जिससे उसको इस सेल के थ्रू काफी मुनाफा होता था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ तो जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल लोग थे अब उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पे देखना शुरू कर दिया अपनी जो प्रोडक्ट्स है उनको सेल करने के लिए। तो अब क्या हो रहा था, जो भी गुड्स ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हो रहे थे अब वो इंडिया में जो है उनका ज्यादा आना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, जब बाहर से ब्रिटेन से चीजें इंडिया में आने लग गई तो जो यहाँ की इंडियन क्राफ्ट थी या जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी उन पे कैसा असर पड़ा, यही हमारा मेन क्वेश्चन है और फोकस है इस चैप्टर के अंदर। 1750 के दौरान जब तक ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे अपनी जीत हासिल नहीं की थी इंडिया सबसे बड़ा दुनिया का कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर था। इंडिया की ये जो टेक्सटाइल थी ये अपनी जो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, फाइन क्वालिटी और जितनी बारीकी से काम किया जाता था, जितनी बारीकी से उस पर कारीगरी की जाती थी उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और इसका जो व्यापार होता था वो ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में या वेस्ट में या सेंट्रल एशिया में होता था। लेकिन 16 सेंचुरी से ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं इन्होंने क्या किया, जो इंडियन टेक्सटाइल था उसे अब यूरोप के लिए खरीदना शुरू कर दिया और बाहर वहां यूरोप में ले जाके बेचना शुरू कर दिया। जो पुराना ट्रेड होता होगा या जिस तरह से कारीगरी करी जाती थी, जो इंडियन बुनकर थे उनके द्वारा उनकी जो एक यादें हैं वो आज भी जो टेक्स्ट मिले हैं इंग्लिश या और बाकी लैंग्वेजेस में उससे पता चलती हैं। अब मेन क्वेश्चन है कि इनका जो ओरिजिन था वो क्या था और कैसे हुआ वो हम जानेंगे आगे। यूरोपियन ट्रेडर्स जो है सबसे पहले ये जो हमारा अच्छी क्वालिटी का कॉटन क्लॉथ था इसके कांटेक्ट में आए जब इसे अरब मर्चेंट्स जो है मूसल में, वो क्या कहते हैं, जो कि प्रेजेंट डे हमारे इराक में है, उनके द्वारा ले जाया गया। तो ये लोग जो इतना अच्छा बुना हुआ कपड़ा होता था इसको इन्होंने नाम दिया मुस्लिन, यानी मूसल जगह में ले जाया जाता था तो इसका वहां से नाम पड़ा मुस्लिन। और इसी वजह से जो है इसको एक ऐसा ये शब्द था जिससे बहुत ज्यादा पैसा बन रहा था। जब पोर्तुगीज पहली बार इंडिया के अंदर आए मसालों की तलाश में तो वो जो है कहां उतरे, कैलीकट में, जो कि केरला कोस्ट पे है साउथ वेस्ट इंडिया के अंदर। जो कॉटन टेक्सटाइल्स वो वापस यहां से लेके जाते थे यूरोप मसालों के साथ उसको बोलते थे कैलिको, क्योंकि ये जो वर्ड है ये कैलीकट से डिराइव किया गया है और कैलिको जो है जनरल नेम बन गया था जितनी भी टेक्सटाइल्स हैं कॉटन की उनके लिए। बहुत सारे और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिससे ये पता चलता है कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो वेस्टर्न मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, काफी ज्यादा फेमस थी। इसी वजह से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको कैलकटा भेजते रहते थे 1730 में। उस जमाने में जिस तरह से ऑर्डर लिया जाता था कपड़ों का तो एक फिगर बताई गई है 589,000 पीसेस जो है क्लॉथ्स के उनको जो है ऑर्डर के तौर पे लिया जाता था।
अगर उनकी ऑर्डर बुक जो हिस्ट्री में मिली है उसको आप देखे हैं तो उसमें कॉटन की और जो सिल्क क्लॉथ है उनकी 98 वेराइटीज थी, मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हमारे यहाँ इंडिया में बनता था। और ये जो कपड़े थे इनका जो नाम था, इन लोगों ने कॉमन नाम दे रखा था, जो जो भी कपड़े खरीदे जाते थे, जो भी गुड्स ले जाए जाते थे, उनको जो है खास तौर से कपड़ों की क्वालिटी में तो स्पेशल नाम दिए गए थे। ज्यादातर ये जो बिना हुआ कपड़ा होता था, यानी जो कपड़े के टुकड़े होते थे, वो लगभग 20 yards लंबे और 1 yard चौड़े होते थे। जिन भी प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ को बल्क में ऑर्डर किया जाता था उनका नाम दिया जाता था चिन्स, कोएसेस या बंदना। अब आपको पता है ये जो इंग्लिश टर्म है चिन्स, ये कहां से आया? ये बेसिकली हिंदी वर्ड चिन्ह जो होता है, यानी कि एक कपड़ा जिसके ऊपर हम एक पैटर्न बना देते हैं, चाहे फ्लावर का छोटा सा जो बूटा जिसे हम काट देते हैं, उसको जो है चिन्ह कहते हैं। 1680 से इनको जो है जो इंडिया के प्रिंटेड कपड़े होते थे कॉटन टेक्सटाइल्स के, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई इंग्लैंड में और यूरोप में। मेनली किस वजह से था? क्योंकि यहाँ की जो एक फूलों की डिजाइन थी, कपड़े की क्वालिटी थी और सबसे बड़ी बात सस्ता कपड़ा था, इस वजह से इनकी इंग्लैंड और यूरोप में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ तक कि जो सबसे रिच लोग थे इंग्लैंड के, जिसमें क्वीन भी शामिल थी, वो भी इंडिया के बने हुए फैब्रिक के क्लॉथ्स जो है उनको पहनती थी। जो शब्द बंदना है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर्स जो होते हैं और जो एक स्कार्फ होता है जो हम गले में पहनते हैं या सिर में पहनते हैं, उसके लिए जो प्रिंट किया होता है उसको बंदना बोलते हैं, मतलब बांध लेते हैं। तो चाहे नेक में करें या आपके हेड में करें, ये जो टर्म है बंदना, इसका जो ओरिजिन शब्द है वो मतलब है बांधना, हम उसको बांधना कहते हैं। और इसमें क्या होता था, बहुत ही डार्क कलर के, ब्राइट कलर के जो कपड़े हैं उनको बनाया जाता था, किसका इस्तेमाल करके, टाई एंड डाई का, मतलब धागों से कपड़ों को बांध के जो रंगाई होती है उसको जो है टाई एंड डाई कहते हैं। तो उस तरीके से इन स्कार्फ्स को बनाया जाता था। और भी बहुत तरीके के कपड़े थे जो उस टाइम पे बनते थे, जैसे, और ये बनते कहाँ थे, कासिम बाजार, पटना, कैलकटा, उड़ीसा, चारपोर, इस जगह पे जो है ये लोग कपड़े को बनाते थे। तो एक तरह से हम इन जिस तरह से चीजें मिली हैं, जिस तरह से कपड़ों की वैरायटी पता चल रही है, उससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो काफी ज्यादा फेमस रही होंगी इन जो वर्ल्ड है उसके अलग अलग हिस्सों में। लेकिन क्या हुआ, जो शुरुआत की 18th century थी, अब उसमें जो इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी थी, खासतौर से टेक्सटाइल हो गई, वूल हो गया, सिल्क हो गया, इनकी जो है थोड़ी सी चिंता बढ़ने लग गई थी। क्योंकि जो टेक्सटाइल, वूल या सिल्क को बनाने वाले लोग थे इंग्लैंड में, उन्होंने जो है अब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का जो इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर बगावत करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि भाई यहाँ से सारा कपड़ा वहां जा रहा है, तो वहां के जो लोग हैं उनका तो धंधा एक तरह से बंद हो गया, वो लोग अपना बिजनेस कैसे करें। तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स जिसका आप इम्पोर्ट करते हो ब्रिटेन के अंदर, इसको बंद कर दो। तो 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कहते हैं लेजिस्लेशन में एक ऐसा एक्ट निकाला जिससे कि जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स थे उनका इस्तेमाल यहाँ इंग्लैंड में बंद कर दिया गया, यानी जो चिन्ह थे उनको इंग्लैंड में बंद कर दिया गया। और ये जो एक्ट था इसको कैलिको एक्ट बोलते हैं। अब क्या हो रहा था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में भी डेवलप हो रही थी और वो जो है उस टाइम पे इंडियन टेक्सटाइल से कम्पीट नहीं कर पा रही थी, मतलब कॉम्पिटिशन में इतना ज्यादा इंडियन मार्केट हावी था कि इंग्लैंड वालों को खुद को दिक्कत हो रही थी। और इंग्लिश प्रोड्यूसर्स ये चाहते थे कि भाई हमारी कंट्री के अंदर हमारा जो मार्केट हो वो काफी सेफ हो, और वो नहीं चाहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल्स जो हैं वो हमारे मार्केट में आए। और सबसे पहले जिस प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, जो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में हुई, वो थी कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब इंडियन डिजाइन की नकल करी जाने लग गई, उनको इंग्लैंड में ही प्रिंट किया जाने लग गया। सफेद मुस्लिन क्लॉथ जो होता है या जो इसके ऊपर ब्लीच नहीं किया जाता है कपड़े पे, इंडियन क्लॉथ ही था, लेकिन उस पे जो है अब क्या कहते हैं प्रिंटिंग इंग्लैंड में ही शुरू हो गई। अब जहां एक तरफ कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा था इंडियन टेक्सटाइल से, वहीं पे जो है नई नई टेक्निक जो होती है उनका इनोवेशन करना शुरू हो गया इंग्लैंड के अंदर। 1764 में एक स्पिनिंग जेनी जो है उसको इन्वेंट किया जॉन के द्वारा, जिससे ये जो स्पिंडल्स होते हैं यानी जिसपे धागा बनाया जाता है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेज हो गई। फिर रिचर्ड आर्कराइट जो है उन्होंने 1786 में स्टीम इंजन इन्वेंट किया,
उससे क्या हुआ, कॉटन टेक्सटाइल जो वीविंग थी यानी कि जो बुनाई होती थी कपड़े की, इसमें एक तरह से जैसे बिल्कुल क्रांति आ गई। अब जो कपड़ा था वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको बुना जा सकता था और बहुत ही सस्ते दाम पे। फिर भी इंडियन टेक्सटाइल जो है अभी भी दुनिया पे उसका जो एक रोल था वो काफी हावी था, लेकिन ये बात रही तब तक जब तक 18 सेंचुरी खत्म होने पे थी। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी जैसे डच हो गई, फ्रेंच हो गई या जो इंग्लिश थी, इन्होंने खूब ज्यादा इससे मुनाफा कमाया। ये क्या करती थी, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल जो है इंडिया से परचेज करती थी और उनको जो है सिल्वर के थ्रू, मतलब एक्सचेंज में सिल्वर मिलता था। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर बंगाल में अपनी बढ़ानी शुरू कर दी, तो अब वो क्या करते थे, इन इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए कोई भी सिल्वर वगैरह नहीं देते थे, बल्कि वो क्या करते थे, जो किसान होते थे, जमींदार होते थे, उनसे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो भी इनकम आती थी, उसी का इस्तेमाल करके वो इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदते थे। तो जो पहले गोल्ड और सिल्वर में आता था वो चीज अब खत्म होके वहीं का पैसा वहीं से चीजों को खरीदने के इस्तेमाल में लिया जाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि वीवर्स कौन थे, यानी जो बुनकर लोग होते हैं वो कौन थे, लेकिन ये हम करेंगे अगले वीडियो में।